एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हम जो काम करते हैं उससे हमारा जो अनुभव होता है हम वो आपसे शेयर करेंगे, और आप जो समाज के बीच में काम करते हैं, आप जो अपने जमीन पर काम करते हैं, आपको वही जो दिखाई देता है मीडिया के मीडिया कर्मी होने के नाते आपको भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं तो हम लोगों के अलावे भी आपके पास आते हैं, उनसे आप हमें इस विषय पर काम करेंगे, वो आपके अनुभव का भी लाभ ले पाएंगे। मित्रों, आज तंबाकू निषेध दिवस है। जिन विषयों पर बात करनी है उसमें सबसे बड़ा विषय यह है कि हम अपने आने वाले नई पीढ़ी उस 5 दिनों के दरमियान मैंने देखा कि टाटा कैंसर हॉस्पिटल में हजारों लोग सड़कों पर रात गुजार रहे हैं, रहने की जगह नहीं है, गले में बिल्कुल पाइप लगाए हुए माउथ कैंसर से अन्य तरह के कैंसर से जो पीड़ित है वो बिल्कुल चल रहे हैं, अपना जो रोज का रूटीन है कर रहे हैं। पहले दिन जब मैंने देखा इन सब चीजों को तो मैं बहुत दुखी हुई और मुझे लगा कि शायद मैं गलत जगह आ गई और अगला 5 दिन जो है मैं इन लोगों के बीच में नहीं गुजार पाऊंगी, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। सोच करके और देख करके इतनी भयावह स्थिति थी, लेकिन फिर भी 5 दिनों के वर्कशॉप में मेरे मन को मजबूर किया और सोचा कि मैं इस बीमारी से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक करूंगी, और वैसी जो पीढ़ी है, वैसी आबादी जो है जो इससे अछूती है, उसको हम लोग वहीं रोकेंगे कि इस चीज को वो लोग सेवन न करें। चला रहे हैं एक टोबैको का और एक हेल्थ का, इन दोनों में मीडिया के साथ एक वर्कशॉप निर्धारित किया गया। इससे ये पता चलता है कि अन्य जितना महत्व किसी प्रोग्राम का दिया जाता है उसको बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे आम लोगों की सहभागिता है उसी तरह से सिर्फ फोटो और न्यूज के लिए नहीं आप लोग सशरीर उपस्थित हो और इस चीज वर्क शॉप को अटेंड करें और इसकी भयावहता को देखें, समझें और बिल्कुल दिल से यह प्रतीक है कि हम लोग आप लोगों पर कितना भरोसा करते हैं। उसी कड़ी में जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था तो सबसे पहले मुंबई में एक वर्कशॉप हुआ जो 5 दिनों का हुआ, उसके बाद मास्टर ट्रेनर ट्रेन किए हम लोगों ने, इसमें जिले के 70 मास्टर को मिडिल और हाई स्कूल के मास्टरों को चयनित करके आप स्वस्थ रहे, ये पूरा देश स्वस्थ रहे, यह प्रयास सबसे पहले होना चाहिए और यह जिम्मेदारी मेरी आपकी नहीं, हम सबकी है, यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी है, इसको समझना होगा। तो आप तंबाकू का सेवन भी करूंगा चाहे जिस रूप में करता हूँ, खैनी, गुटखा, सिगरेट या अन्य चीजों के रूप में, आप अपने परिवार को, अपने मित्रों को, तो कम से कम एक व्यक्ति यदि 10 व्यक्तियों को प्रभावित करता है अपनी बातों से कि वो तंबाकू का सेवन नहीं करे, तो आज की इस कार्यशाला का हमारा ये परिणाम यही होगा कि हमने आज कम से कम 100 लोगों को, 200 लोगों को, 500 लोगों को एटलीस्ट इसके बारे में अवेयर किया और उनसे यह शपथ लिया। बहुत ही खातर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। आज हम सिगरेट यदि पी लें, अभी खा लें, अभी कुछ नहीं होगा उससे, लेकिन जब यह आदतें धीरे धीरे बीमारी का रूप लेती हैं, आप उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं चीजों को, वो धीरे धीरे महीनों में, सालों में वह बीमारी का रूप लेती है, जो हमारा सिविलाइजेशन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसमें भी सिर्फ इसमें जो फिगर इनका दिया हुआ है कि 2020 में 13% लोगों की मृत्यु इस तंबाकू के दुष्परिणाम की वजह से होने वाली है,
तो हमारा यह सामूहिक दायित्व होगा कि हम लोग ऐसे वर्कशॉप के माध्यम से लोगों को जानकारी दें। स्कूलों में हम लोग इशायक प्रयास के द्वारा यह बहुत ही सराहनीय कदम चलाया जा रहा है। कुछ महीने पहले सलाम मुंबई फाउंडेशन जिनके माध्यम से चलाया जा रहा है कार्यक्रम, उनके भी प्रतिनिधि आए थे और उन्होंने भी यहाँ चलाया जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की। और हम लोग चाहेंगे ये कार्यक्रम सिर्फ यहाँ पर भी हो, ये जिम्मेवारी मिली है कि तंबाकू मुक्त जिले को किया जाए या एक जागरूकता पैदा किया जाए। ये बहुत चिंता का विषय है कि दिन प्रदिन जो तंबाकू गुटके या जो भी चीजें हैं नशा का, ये बढ़ते जा रहा है और हम लोग अक्सर इन सब चीजों पे एक चिंता व्यक्त करते हैं। और एक होता है कि आखिर इन चीजों से कैसे बच्चों को निजात किया जाए, युवा पीढ़ी को कैसे निजात किया जाए, क्योंकि जिस तरह से ये लगातार संख्या बढ़ते जा रही है, ये वाकई किसी भी समाज और देश के लिए चिंताजनक है। जानकारी दी जाए कि तंबाकू बहुत ही खतरनाक चीज है और इसके गिरफ्त में जो भी युवा, जो भी व्यस्त है, जो भी महिलाएं और पुरुष हैं, कृपया इससे दूर रहें और सभ्य और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने के सकें। सर, जिस प्रकार से शराब पूर्णतः बंद कर दिया गया, पूर्णतः बैन लगा दिया गया, क्या तंबाकू पर इस तरीके का कोई अभियान चलाया जाएगा, पूर्णतः बैन कर दिया जाए, या जिस जगह हो, शिक्षा क्षेत्र जगत हो या कहीं भी ऐसे संस्थानों पर जिस प्रकार से उधर दुकानें खुली गई उसको पहले बंद किया जाए, या कानून पहले से ही बनाए हुए, कोई नई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं। हमारे पास जितने भी तरह की समस्याएं हैं, जितने भी तरह के अपराध हैं, सबके लिए कानून है। लेकिन समय यह है कि हम और आप और सभी लोग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उन कानूनों का पालन करें, चाहे वो गुटखा हो। हम सभी जगह देखते हैं कि यदि सार्वजनिक प्लेस पर कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है उसके लिए फाइन निर्धारित है 250 रुपये का, किंतु इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग नहीं करा पा रहे। तो हमारा ये प्रोग्राम है इस चेतना को लाने के लिए, कोई नए कानून को लाने के लिए नहीं, बल्कि जो कानून अभी हैं उसका पालन सुनिश्चित कराएं। हर विद्यालय से यदि 200 मीटर की दूरी पे कोई भी पान का दुकान, कोई तंबाकू गुटखा बेचने वाला दुकान, इस तरह का कोई भी काम उसके अंदर नहीं हो, यह सुनिश्चित कराना। साथ ही सभी वहाँ जो है मास्टर है स्कूल के, वहाँ जो शिक्षक हैं, उनको भी यह शिक्षा देना कि विद्यालय के आसपास इस तरह की जो भी संस्थाएं हैं, शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उसके आसपास कोई भी तंबाकू का क्रय विक्रय परिवहन आदि काम नहीं हो। और सिर्फ कानून के बनने से यह नहीं होगा, यह हमारे आपके सहयोग से होगा, यह हमारे आपके चेतना जगाने से होगा। और यह मेरा यही अनुरोध रहेगा आप सभी से कि आप सभी इस दिशा में प्रयास करें। और दिशा एक प्रयास के द्वारा जो यह मुहिम चलाया जा रहा है 2 वर्षों के अंदर दोषपूर्ति को तंबाकू मुक्त करने का, वो आप लोग सहयोग दें और इसको सफल।